उत्पादों की चाहत रखने वालों के लिए जिले के रंगभूमि मैदान में 10 दिवसीय खादी मेला सह प्रदर्शनी लगाया गया है। मेला का उद्घाटन बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दिलीप कुमार, महाप्रबंधक सुशील कुमार एवं उप विकास आयुक्त कुमारी साहिल ने किया है। मेला सह प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य खादी के उत्पादों को बढ़ावा देना व जिला उद्योग केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। मेला में हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, बॉस, केला जूट, मखाना उद्योग के लिए लोन व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। सिटी हलचल के लिए पूर्णिया से सरोज कुमार की रिपोर्ट। क्या मतलब इसके पीछे संदेश है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खादी मेला हो रहा है। खादी तो हमारे देश की पहचान है। खादी की शुरुआत ही इसीलिए हुई थी कि हम अपने जो हमारा चीज़ है, जो हमारे देश की चीज़ है, उसको अपनाएं, उसको प्यार करें और खुद आत्मनिर्भर हो। जो खादी का एक मैसेज एक साइड पे ये है कि हम अपने आप को अपनाएं, अपनी चीज़ों को अपनाएं, अपनी चीज़ों से प्यार करें, हम अपनी पहचान से लगाव रखें। और दूसरी तरफ उसका मैसेज है आत्मनिर्भर होना। तो दोनों ही जो मैसेजेस हैं खादी के, वो हमारे देश के लिए जो है, जो हमारे देश को यूनाइट करने के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यार, यहाँ पर जो खादी का मेला है वो आयोजित किया है, बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है। और हम लोग तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कौन सा स्टॉल अच्छा सबसे अच्छा है, कौन सा सबसे बढ़िया है। और पूरे राज्य से यहाँ पर लोग आए हैं। आई होप ऑल द बेस्ट हम लोगों को कहते हैं। आई होप कि सबका यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये मेला चलेगा। और मैं आग्रह करती हूँ सारे पूर्णियावासी को और आसपास के जितने जिला के लोग हैं, सब लोग यहाँ आए, आनंद लें और खादी को बिजनेस दें। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच मैम। सर प्लीज, सर अभी स्टार्टअप का ज़माना है, खादी उसके लिए कितना हमारा युवाओं के लिए, युवा उद्योगों के लिए फ्रूटफुल हो सकता है और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? खादी का जो मूल मंत्र है वह स्वदेशी और स्वतंत्रता दोनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक समय था जब कि अपने देश के बाजार में विदेशी कंपनियों के माल जो है बहुत ज़्यादा आ गए थे, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हर घर में चरखा होना चाहिए, हर घर में कतिया कटना चाहिए और हर घर में वस्त्र की बुनाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि खादी जो है इससे हर गांव को खादी और ग्राम उद्योग के माध्यम से आत्मनिर्भर बना दें, यानी कि गांव या 10-20 गांव जो है वो आपस में मिलकर के अपनी सारी जरूरतों की पूर्ति जो है वो का उत्पादन जो है वो खुद ही करें। तो यह खादी के प्रति महात्मा गांधी जी का सम्मान रहा है और उसी भावना को मूर्त रूप देने के लिए बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड भी लगा हुआ है। और हम लोग विभिन्न जिलों में खादी और ग्राम उद्योग इन दोनों के विकास के लिए काम कर रहे हैं और ये मेला लगाया गया है उसी की कड़ी में है कि कैसे खादी को उपभोक्ताओं के साथ सीधे जोड़ा जाए। आप देखेंगे कि यहाँ पर कैमूर जिले की भी खादी है, मधुबनी जिले की भी खादी है, जो हमारा भागलपुर जिला का विभिन्न किस्म का जो सिल्क वहाँ पर उत्पादित होता है उसकी भी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कम कीमत पर अपने प्रोडक्ट जो हैं वह कस्टमर्स तक पहुँचा रहे हैं, यही इस मेले का उद्देश्य। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। खुद से बना रहे हैं जी? क्या क्या बना रहे हैं? हमारे यहाँ हैंडमेड चीज़ें जो हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अभी हैंडलूम साड़ीज़ है, अभी जैसे ये चंदेरी साड़ी है, इस साड़ी की खासियत है कि इसमें 1 ग्राम रियल गोल्ड जरी का काम हुआ है और इसको हेरिटेज साड़ी की तरह देखा जाता है। और इस साड़ी की खासियत है कि इसको 60-70 ईयर्स के बाद भी जब इसको पॉलिश कर देते हैं तो ये एज इट इज ऐसी की ऐसी रहती है। जी जी जी, ये क्या सिल्क कहलाती है? ये मलबरी प्योर सिल्क पे है। अच्छा 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 अच्छा, पूरी तरह हाथ से बनी है, पूरी तरह से हैंड वोवन साड़ी। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या बना रहे हैं? हम मेंस शर्ट का कलेक्शन हमारे पास है, मेंस कुर्ता आप देख सकते हैं, कुर्ता है, नेहरू जैकेट है, लड़कियों के लिए ड्रेसेज हैं, ट्यूनिक टॉप है, कुशन कवर्स हैं, दीज आर ऑल हैंडमेड कुशन कवर्स। ये सब क्या स्टार्टअप के तरह? ये हम लोगों ने एक विज़न लिया था कि विज़न था हमारा कि हम पूर्णिया के लोगों को मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करके दे सकें। मैं मुंबई में था पहले और जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि यहाँ पे भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत कुछ आता है बट वो अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे स्किल्ड लोगों के लिए जो है हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया हाउस ऑफ मैथिली, जहाँ पे हम उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको ऑलरेडी ट्रेंड है, उनके प्रोडक्ट्स को भी हम उनको ग्लोबल मार्केट में पहुँचाने में हेल्प करते हैं। क्या शुभ नाम? मनीष रंजन। मनीष रंजन।